हाय, कैसे हैं आप सब। आज जो ये वीडियो है, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। वो रिक्वेस्ट किया था कि कहाँ पे पार्लर का सामान मिलता है। देखिए, आप कहाँ से हैं ये तो मैं नहीं पूछा, आप मुझे कमेंट किया था कि कहाँ कहाँ मिलता है पार्लर का जो सामान है। पहले तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो मार्केट है, सब जहाँ पे आपको वो जो सब कुछ एक साथ मिलता है जिस मार्केट पे, वो जो मार्केट है वहाँ से पे जहाँ पे पार्लर का सामान मिलता है। एक एक जगह है जहाँ पे कपड़ा मिलता है, या तो फिर घर का सामान मिलता है, और कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट मिलता है, ज्वेलरी का प्रोडक्ट मिलता है। तो यही ऐसे करके जहाँ पे पार्लर का सामान मिलता है उस मार्केट से आप ले सकते हो। वहाँ पे क्या होता है कि दाम भी आपको कम में मिलेगा। वहाँ पे आपको जो मसाज क्रीम मिलता है, टोनर या तो फिर स्क्रबर जो आप पार्लर में रखने के लिए सोच रहे हैं, वो कम में मिलता है। और वो ही आप कोई ऐप्स पे, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग जो ऐप्स होता है वहाँ पे भी मिलता है, बट वहाँ पे दाम अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा होता है। और एक चीज़ है, वो जो क्रीम होता है ना, वो एक्सपायरी डेट भी कभी कभी निकल जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के आपको क्या करना है, मार्केट से खुद जाके लेना है। सो गाइस, तभी ठीक ठाक होगा। और देखिए, बिजनेस करने में आपको जिस जहाँ से चीज़ लेके आप बिजनेस करो ना, कोई प्रोडक्ट लेके, तो वो आपको प्रॉफिट हो तो आप लेना है आपको, नहीं तो बेकार हो जाएगा। मैं कोलकाता में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ बड़ा बाजार जो है, और एक मार्केट है, वो कैनिंग स्ट्रीट है एक, तो वहाँ पे पार्लर का सामान अवेलेबल है। अब जो चाहे वहाँ पे मिल सकता है, वो चेयर है, कॉस्मेटिक्स है, या तो फिर आपको जो मसाज करने के लिए जो क्रीम लगता है पार्लर पे, बहुत सारा कंपनी का वहाँ पे मिलता है। और दाम भी बजट में, मैंने बोला कि दाम को लेके आपको वो आपको सोचना है, क्योंकि देखिए, हम जहाँ से प्रोडक्ट लूँगी तो वहाँ पे ज़्यादा दाम हो तो आप पार्लर पे जो काम करेंगे ना, वो आपको नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसीलिए इस बात पे आपको ध्यान रखना है कि जहाँ से आप प्रोडक्ट ले रहे हो वहाँ का दाम ठीक ठाक है कि नहीं। सो इसी सब के आपको पार्लर पे दाम रखना है। वो सीजर मिलता है वहाँ पे, बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है हमारा कैनिंग स्ट्रीट पे। मैं कोलकाता में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ से 1.5 घंटा लगता है। मैं जाती हूँ, बट अभी लॉकडाउन है इसीलिए सब नहीं जा रही हूँ। और एक काम कर सकते हैं, जो कुछ कुछ पार्लर पे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, वो लोग वहाँ से प्रोडक्ट लेके आपके पास देते हैं, तो वो थोड़ा सा लाभ करते हैं, बट आपको वो EMI भी देते हैं कि आप अभी प्रोडक्ट लो और 15 दिन बाद आएंगे, कि 1 महीना बाद आएंगे, हफ्ते में एक बार आएंगे, तो तभी जाके वो अपना जो EMI है वो ले जाते हैं। आप ऐसे कर सकते हो, और नहीं तो फिर आपको पॉसिबल हो तो आप मार्केट से भी ले सकते हो, और ऑनलाइन शॉपिंग आप कभी कभी कर सकते हो। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन ठीक ठाक है, बट सब कुछ नहीं है, ऑनलाइन पे अच्छा नहीं होता है। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, तो कुछ लोग लेते हैं उसका अच्छा होता है, बट मुझे नहीं लगता है सही, क्योंकि मैं कभी कुछ प्रोडक्ट लेती हूँ बट मुझे ठीक ठाक नहीं लगा। वही चीज़ मैं मार्केट से ली, वो बहुत कम दामों में मिला था, तो इसीलिए ये मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सो गाइज, आप ऐसे ही ले सकते हो।
तो ये जो रिक्वेस्ट वीडियो है, अब लोग आपको हेल्प हुआ कि नहीं मुझे बोलिए। कुछ लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं कि वो गान कहाँ पे मिलता है, जो नो स्प्रिंग करते हैं ना, उसका जो गान है, गान से मैं करती हूँ उसके बारे में कुछ लोग पूछते हैं कि मैम ये कहाँ से मिलता है। मैं तो मार्केट से ली, और आप लोग एक काम कर सकते हो, मार्केट पे नहीं मिला, आपके आसपास जो मार्केट है वहाँ पे नहीं मिला, तो आप ऑनलाइन पे ऑर्डर कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है वो, तो आप ले सकते हो। क्या होता है कि आप जब मार्केट पे खुद लेते हो ना, वो देख के ले सकते हो, चीज़ों को आप देख के ले सकते हो, कोई कोई कुछ गड़बड़ हो तो आप उनसे दूसरा मांग सकते हो, बट ऑनलाइन पे आप जो ऑर्डर करेंगे ना वो ही आता है, फिर रिटर्न करो, यही कुछ प्रोसेस होता है, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप एक काम कर सकते हैं, आप कोशिश करें कि आप मार्केट से ही सब कुछ लेने की। ओके, कैसा लगा आज का ये वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। लव यू, थैंक यू।